जाता है। इस जगह को परवाले ने इस तरह से तराशा है कि यहाँ की खूबसूरती हर किसी के दिल को छू लेती है। लेकिन इन दिनों केरल की इसी खूबसूरती को किसी की नजर लग गई है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसा तांडव मचाया है कि न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि 300 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मकान के मकान पानी में बह गए हैं, तो वहीं पीड़ित लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। देश के कई राज्यों से लेकर खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए की मदद दी जा रही है। राहत शिविरों में लगभग 20.5 लाख लोग ठहरे हुए हैं और बाढ़ के बाद अब महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में जहां बदबू आ रही है, तो वहीं मच्छर पनपने की परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसे में शिविरों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अगर वक्त रहते प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है, तो बाढ़ के बाद एक और खतरे की चपेट में केरल आ सकता है।